नमस्कार दोस्तों, श्योर पाठशाला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि मैं पहले आपसे बोल चुका था कि कुछ ही दिनों में आपके लिए CRPF स्टेनो के स्किल टेस्ट के लिए और इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्किल टेस्ट के लिए और दोस्तों SSC के स्किल टेस्ट के लिए और फ्रेंड्स UP SSSC के लिए भी आपके लिए एक विशेष डिक्टेशन लेके आऊँगा। और उसी के लिए मैं आपके लिए डिक्टेशन लेके आया हूँ। और ये डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट की रफ्तार से होगा। और दोस्तों इसको एक अपना टेस्ट समझकर ही लिखें जिससे कि आपकी एक अच्छी तैयारी हो सके। दोस्तों मैं 10 सेकंड बाद ये डिक्टेशन बोल दूंगा। चेंज कोसी नदी जिसे शोक और दुख का सूचक माना जाता है, इस वर्ष फिर अपने प्रकोप से महान हानि का कारण बनी है। अब गंगा नदी पर काबू पाने और सतलज नदी से पार उतरने की उपद्रवी लीला समाप्त करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। इस योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए और निर्माण का काम हाथ में लिया जा सकता है। आशा है इस योजना के निर्माण से बड़े पैमाने पर जन साधारण को सेवाएं उपलब्ध कराने की। जब यह नया परीक्षण सफल होगा तो महान नेताओं और योजनाओं के निर्माण में और भारत की महान जनशक्ति और जनसंख्या के उपयोग के संबंध में हमारी जानकारी और अनुभूतियाँ महत्वपूर्ण साबित होगी। औद्योगिकरण के क्षेत्र में उन्नत फसलों का उत्पादन बढ़ाने और अधिक वृद्धि और भारत की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विचाराधीन वर्ष की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। औद्योगिकरण के साथ ही रोजगार के क्षेत्र को विस्तृत करने के प्रयत्न भी बराबर जारी हैं। कुटीर उद्योगों और घरेलू धंधों को प्रोत्साहन देकर औद्योगिकरण और रोजगार में समुचित संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह बात सभी स्वीकार करते हैं कि यदि भारत के जनसाधारण को उदासीनता और हार मानने की भावना से मुक्त करना है तो बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने का उपाय भी उपयोगी सिद्ध हो सकेगा। इस दिशा में घरेलू उद्योग धंधे बहुत से लोगों को आंशिक या पूर्ण उपयोगी काम देकर इस समस्या का बहुत कुछ समाधान कर सकते हैं। इसीलिए पंचवर्षीय योजनाओं में पुराने घरेलू उद्योगपतियों को पुनर्जीवित करने और चालू कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने की दिशा में व्याख्या की जा रही है। चेंज स्वदेशी मामलों के क्षेत्र में हमारी विफलता और भी अधिक है। हमारी नीति जैसे में सक्रियता और स्वदेश्य तटस्थता की नीति कहना चाहूँगा। वास्तविक व्यवहार में किसी भी देश अथवा यहाँ के लोगों को अपना शत्रु न समझने की नीति है। इस नीति के फलस्वरूप हमें विश्व शांति के पक्ष की कुछ सेवा करने का अवसर मिला है। हम प्रसन्न और आभारी हैं कि संसार के राष्ट्रों में भारत का स्थान इतना ऊंचा है। इंडो चीन निरीक्षण और नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय आयोग की
अध्यक्षता हमने स्वेच्छा से स्वीकार की है और हमारे नागरिक यथासाध्य उस देश में शांतिपूर्ण निर्वाचन संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हम सभी राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से चाहते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भारत में फ्रांसीसी बस्तियों की समस्या शांति और सद्भावना की वातावरण में सुलझ सकी है। शांतिपूर्ण प्रणाली की सफलता का वह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। दुर्भाग्य से भारत में पुर्तगाली फ्रांसीसी बस्तियों की ऐसी ही समस्या को सुलझाने की दिशा में प्रगति नहीं की जा सकी। मैं आशा करता हूँ कि फ्रांसीसी इन बस्तियों में रहने वाले लोगों के स्वाधीनता के अधिकार को स्वीकार करेगा और फ्रांस और ब्रिटेन की सरकारों का अनुसरण करेगा। जैसे ही यह वर्ष समाप्त हो रहा है, हम अपने सबसे निकट के पड़ोसी पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में अपने सुखद परिवर्तन देखते हैं। पाकिस्तान के लिए हमारे हृदय में सदैव से पूर्ण सद्भावना और मनोकामनाएं रही हैं। चीन, आज हम अपने विचारों को उस दिन तक ले जाएं जब हम गणराज्य और स्वतंत्रता दिवस की घोषणा किया करते थे। अपनी विकास की योजनाओं के समर्पण में हमने वास्तव में काफ़ी प्रगति की है, परंतु क्या इंडिया के सब नागरिकों को दरिद्रता, अभाव, दृष्टिहीनता से मुक्त करा जा सकता है? प्रकृति की शक्तियों को अपने अधीन करने और जनता के कल्याण के लिए उन्हें नियंत्रण में लाने की दिशा में भी हम आगे बढ़े हैं, किंतु हम यह नहीं भूल सकते कि महीने ही हुए हमें जिसके कारण यातायात के साधन छिन्न भिन्न हो गए और वहाँ की जनता को भारी हानि उठानी पड़ी। निसंदेह साक्षरता, प्रसार और रोगों के निराकरण के महत्वपूर्ण उपाय भी हमने सोचे हैं। यद्यपि अभी भी देश के बहुत से भागों में निरक्षरता और बीमारी पर्याप्त मात्रा में दिखाई देती है, जन कल्याण की योजनाओं को हम बराबर आगे बढ़ाते रहेंगे। यह हमारा दृढ़ संकल्प है, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। इन योजनाओं के पूरे होने के संबंध में जो प्रयास प्रायः अब तक किया गया है, उससे भी हमें संतुलित नहीं होना चाहिए। फिर भी जो कुछ अब तक किया जा सका है, यदि वह बहुत चमत्कारी नहीं दिखता, तो उसका कारण यह है कि अभी निर्माण कार्य जारी है और समाप्त नहीं हुआ है। राष्ट्र के निर्माण में समय की आवश्यकता होती है। आज हमारा गणतंत्र दिवस है और भारत जैसे प्राचीन राष्ट्र के इतिहास में 5-7 वर्ष की अवधि एक स्वल्प काल है। आइए अब हम विगत वर्ष की घटनाओं पर दृष्टि डालें और यह देखें कि विकास के कार्यों और निर्माण योजनाओं की तरफ हम कहां तक आगे बढ़ सकते हैं। चेंज, यदि मुझसे यह कहा जाए कि बीते वर्ष
की घटनाओं का वर्णन मैं एक वाक्य में करूं तो मैं कहना चाहूंगा कि संविधान में दिए गए निर्देशों के अनुसार हमने समस्त राष्ट्र के साधनों को ऐसे ढंग से जुटाना आरंभ कर दिया है। राम स्टोरी।